ओम नमस्ते, मैं युगाचार्य अर्जुन देव आज आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूँ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने, उनकी टीम है जो साइंटिस्ट डॉक्टरों की, पतंजलि उपीठ हरिद्वार में जो उनका अनुसंधान केंद्र है पतंजलि रिसर्च सेंटर, तो उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा एक सफल परीक्षण किया है जिनके द्वारा हम कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं, कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो वो जो औषधियाँ हैं वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है? गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी और अश्वगंधा। ये जो पांच औषधियाँ हैं इनको हम किस प्रकार प्रयोग करें? गिलोय और तुलसी का जूस ले लीजिए आप लगभग 10-10 ml, और काली मिर्च ले लीजिए 5-10, और एक टुकड़ा हल्दी का, और उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। ये पांचों औषधियों को आप 400 ml पानी में पकाइए। जब पकने के बाद 100 ml बचेगा तो फिर इसको छान के सुबह खाली पेट पीना है। और जो लोग संक्रमित हैं कोरोना वायरस से उनके लिए दोपहर में भी दे सकते हैं और शाम को भी दे सकते हैं खाना खाने से पहले। तो ये जो पांच औषधियाँ हैं ये हमारे शरीर के लिए रामबाण का कार्य करती हैं, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को अच्छा करती हैं, और साथ ही इसके अनंत लाभ हैं। जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन किसी प्रकार का होता हो, चाहे वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो, और हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, आर्थराइटिस के लिए, देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ दिस मेडिसन, सो बिफोर वी यूज दिस मेडिसन इन आवर लाइफ, अगर हम वैसे भी हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं अपनी डेली रूटीन में, कोई भी एक दो औषधि या पांच औषधियों को भी ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता 100% अच्छी होती है और इसके अनंत लाभ हैं। तो इसका हम प्रयोग करें, निश्चित हमें लाभ होगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को प्रणाम, नमस्ते।